आइए तो हम यह सीखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का पता कैसे लगाया जाए। तो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है वह आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आइए हम इस ग्राफ में कितना डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट यह कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यह एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट। आइए हम डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने कहा, डिस्प्लेसमेंट एरिया के इक्वल होगा। इसमें एरिया क्या रेक्टेंगल है, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 4 मीटर पर सेकेंड और ब्रेथ इज 10 सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर। इस तरह आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। पॉइंट्स जिसका आपको खास ध्यान रखना है, जैसा कि हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा यह पता नहीं लगा सकते अंटिल एंड अनलेस आपको उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ना पता हो। जैसा कि हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट का पता लगता है, यानी चेंज इन पोजीशन का पता लगता है। यानी जब तक आपके पास इनिशियल पोजीशन पता ना हो तब तक आप फाइनल पोजीशन बता नहीं सकते, बट यह बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या ऑब्जेक्ट कितना मीटर मूव किया अपने जगह से, कितना मीटर डिस्प्लेस किया। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 40, बट अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता ही ना हो कि कहां से 40, तो आप ये डिफाइन कर आप उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। बट अगर आपको इनिशियल पोजीशन पता हो कि मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है या एक मैन खड़ा है और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 40 i कैप मीटर डायरेक्शन में, या 40 मीटर वन डायमेंशन में ही अगर हम बात करें, तो 40 मीटर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसकी फाइनल पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन जो कि होगी 50 मीटर्स पे। तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, तो 50 माइनस 10 जो कि 40 मीटर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी अगर आपको पोजिशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजिशन का पता लगाना हो तो आपको इनिशियल पोजिशन का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक कार है जिसकी वेलोसिटी जो है वह 0 रही 10 सेकेंड्स के लिए। अगर वेलोसिटी 0 रही तो हमको यह इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में क्या रहा, 0 रहा, क्योंकि वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं मूव ही नहीं किया, तो वह उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रह गया, यानी जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पे रह गया। अब मुझे बताइए क्या आप इसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, आपको तो इनिशियल पोजीशन पता ही नहीं, तो हम यह ज्ञात ही नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे हो। इसीलिए हमें उसकी इनिशियल पोजीशन का पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन निकालना चाहते हैं, यानी फाइनल पोजीशन निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उसकी इनिशियल पोजीशन का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम यह देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख सकते हैं यह जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यह एक स्ट्रेट लाइन है और किसी एंगल पे है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब यह एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो आइए इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 0 से 10
सेकेंड्स के दौरान क्या डिस्प्लेसमेंट रहा यह पता करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, जो शेडेड दिख रहा है आपको, वह आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस तो 10 हो गया, तो ये हो गया बेस 10 सेकेंड्स, और ये हाइट हो गई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर डिस्प्लेस किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जांपल को पहले भी देखा था, कि पहले 4 सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और बाद में ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है या उसका वेलोसिटी घट रहा है। तो आइए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट। तो हम जीरो से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आप देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 4 मीटर पर सेकेंड, और विड्थ जो है वह है 4 सेकेंड्स। तो ये हो गया 4 सेकेंड्स। तो आपका फर्स्ट 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आया वह 16 मीटर आया। अब अगले 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अगले 10 सेकेंड यानी 4 से 14 सेकेंड के बीच ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया। तो यह भी एक ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट या हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। तो हाफ ऑफ हाइट, ट्राइंगल का हाइट आप देख सकते हैं यह है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो बेस है वह है 10 सेकेंड्स। तो हाइट 4 मीटर पर सेकेंड और बेस 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट आ गया वह आ गया 20 मीटर्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले 4 सेकेंड में जितना डिस्प्लेस किया प्लस बाद के 10 सेकेंड में जितना डिस्प्लेस किया, यानी 36 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से 36 मीटर दूर चला गया है मोशन के दौरान। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू नेगेटिव एरिया का कंसेप्ट समझेंगे कि नेगेटिव एरिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं जो एरिया है यह पूरा यह नेगेटिव एक्सिस में है या फिर नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस में है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम यह देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कितना आएगा। ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो आप देख सकते हैं लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है 8 सेकेंड्स इंटू विड्थ क्या हो गई आपकी, यह है माइनस फोर मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एरिया, हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया -32 मीटर। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि अगर आप इनिशियल पोजीशन पे यहां खड़े हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -32 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ। आपका डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। नेगेटिव और बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट मींस दैट द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव किया है। अगर आप ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेंगे तो आपका इसका मतलब हुआ कि इस केस में या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव एरिया वाले केस में ऑब्जेक्ट जो है वह वेस्ट की तरफ मूव किया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव रह रही है, यानी ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर ले, तो ये हो जाएगा हाफ बेस कितना हो गया आपका 4, तो ये हो गया बेस 4 सेकेंड,
और हाइट कितनी हो गई आपकी -2 मीटर पर सेकेंड, तो हाइट हो गई आपकी -2, तो आपका जो फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो -4 मीटर। अब अगले 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो एक यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है बिकॉज यह जो लाइन है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो आप इसमें एरिया निकालेंगे तो यह आएगा एक रेक्टेंगल का एरिया, तो यह आएगा 10 - 4 दैट इज 6 और इसका हाइट है -2, ये है 6 और इसका हाइट है -2 मीटर पर सेकेंड और ये 6 सेकेंड, तो 6 × -2 दैट इज -12, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया -4 - 12 दैट इज -16 मीटर। इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहले 4 सेकेंड में वेलोसिटी पॉजिटिव रह रहा है, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो पहले 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 4 है और हाइट भी 4 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो यह हो गया आपका 8 मीटर। अब अगले 4 सेकेंड में आप देखें तो आपका जो हाइट है वह नेगेटिव हो गया -4 मीटर पर सेकेंड और बेस जो है वो हुआ 4 सेकेंड। तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट -8 मीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज d1, दिस इज d2, तो d1 प्लस d2 इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस 8 मीटर माइनस 8 मीटर प्लस ऑफ नेगेटिव 8 मीटर, तो यह हो जाएगा आपका 0 मीटर। यानी इस केस को अगर हम समझे, ऑब्जेक्ट जो है वह यहां था, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आ रहा है पहले 4 सेकेंड्स में, यानी पहले 4 सेकेंड्स में t = 0 से t = 4 सेकेंड्स तक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता है या पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है, यानी वह अपनी इनिशियल पोजिशन की तरफ फिर से चलना स्टार्ट करता है और 4 सेकेंड के अंदर वापिस से, यानी अगले 4 सेकेंड में, या फिर हम कहें 4 से 8 सेकेंड के दौरान, वह अपने इस पॉइंट से लेके वापिस से इनिशियल पोजिशन पे आ जाता है। जैसे कि अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले भी इसी पोजिशन पे था, फाइनली भी इसी पोजिशन पे आ गया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और ग्राफ से भी हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट 0।